Assalamu alaikum viewers, welcome back to third video software quality assurance. Welcome to Zafar's tube. आज के हम lesson में test scenarios देखने जाएंगे कि test scenarios किस तरीके से solve करते हैं जब हम papers में आते हैं. अच्छा test scenarios usually ना हम कोई भी test करने से पहले बनाते हैं और फिर test plan बनता है. दो तरीके से पढ़ाया जाता है, पर हमें चूँकि पढ़ाया गया था कि पहले हमें टेस्ट केसेस बनवाए गए जिसमें हम सिंपल सिनेरियो लिखते थे. ये सिनेरियो इससे बहुत रिलेट करता है. जो हम टेस्ट सिनेरियोज़ बनाते हैं ये भी इसी तरीके से होते हैं. पहली बात अब देखते हैं पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन आता है. टेस्टिंग सिनेरियोज़ असल में एक वन लाइनर स्टेटमेंट होती है जिस जो चीज़ आप टेस्ट करना चाह रहे होते हैं. जिस तरीके से आप देखें, मैं इस अपनी पिछली वीडियो में टेस्ट करना चाह रहा था कि मेरी एप्लीकेशन सही तरीके से इंस्टॉल होती है या नहीं, तो ये मेरा एक सिनेरियो था. इसी तरीके से आप टेस्ट सिनेरियोज एक एप्लीकेशन के फर्स्टली जो है वो पेपर में लिखते हैं, उसके बाद आप टेस्ट केस पे जाते हैं. देखें एग्जांपल एक मैंने बनाई हुई है कि यूज़ केस आईडी जो मैं आपको बता रहा था, मैं आईडी यूज़ कर रहा था और फिर मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ. तो मैंने एक सिनेरियो लिखा है कि मैं वैलिडेट लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करना चाह रहा हूँ साइट पर कि वो श्योरली रजिस्टर्ड करता है कस्टमर को, लॉगिन करता है साइट को या नहीं, और मैं नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस उसके डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर. और जिस तरीके से मैंने ये पे चार टेस्ट केसेस बनाए हैं, इसी तरीके से मैं टेस्ट सिनेरियोज जब लिखूंगा तो मैं एक टेबल बनाकर एक आईडी बनाकर पहले ये सिनेरियोज डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद में टेस्ट जो है वो सिनेरियो पे जाऊंगा. एक तो ये मेथड है आपका, उम्मीद है आप समझ गए होंगे. सेकेंड मेथड क्या है? अच्छा पहले हम डिफरेंस भी देख लेते हैं क्योंकि यूजुअली पेपर में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. तो टेस्ट केस में सिंपल आप नेम लिखते हैं, प्री कंडीशंस लिखते हैं, स्टेप्स डिफाइन करते हैं. जो सारे मैंने आपको कॉलम्स बनवाए थे वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आप आईडी लिखते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखते हैं. जबकि आप सिनेरियोस में एक टेस्ट प्रोसीजर लिखते हैं, एक पूरी की पूरी लाइक ए स्टोरी लिखते हैं कि जो आपको डिफाइन करनी होती है. टेस्ट सिनेरियो याद रखिएगा वन लाइनर होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं और इसमें हम कंडीशंस लिखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो रही है, वो वाईफाई पे चल रही है या नहीं सही तरीके से. ये सारी की सारी हम फंक्शनैलिटी जो है वो चेक कर रहे होते हैं टेस्ट केसेस में. फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट सिनेरियो की एग्जाम्पल देखें, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है. अच्छा हमें पेपर में यूजुअली ऐसा एक स्क्रीनशॉट हो सकता है कि दे दिया जाए, और पेपर्स में इसी तरीके से सॉफ्टवेयर क्वालिटी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेपर में से ही भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं. उसमें आपको बोला है कि एक ये फ्लाइट रिजर्वेशन एप्लीकेशन बनी हुई है और आपको उसके सिनेरियोस को टेस्ट करना है, और उसका टेस्ट सिनेरियो वन क्या है कि लॉग इन फंक्शनैलिटी को चेक करना है. तो आप फिर एजेंट के नेम, एजेंट का पासवर्ड और ये सारी चीज़ें आप डालकर टेस्ट करते हैं कि सक्सेसफुली आप लॉगिन हो रहे हैं या नहीं. तो ये एक सिनेरियो का एग्जांपल है. अब एक हम एक सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं. मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज वन में एक ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सिनेरियोज के हवाले से. इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है. हम लोगों को क्लासेस में भी जो है वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस कराई गई थी कि आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये किसी भी साइट का या किसी भी एप्लीकेशन का, और आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टर व्हाट डू आप क्या करेंगे, क्या आप इसकी टेस्टिंग करेंगे अगर इसमें कोई डिफेक्ट्स फाइंड आउट हो तो, और आप उसको जो है वो डिस्क्राइब कैसे करेंगे सिनेरियोस में. तो यहाँ उसका सॉल्यूशन है कि आप सबसे पहले देखें कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चूज यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम, ईमेल, कंट्री और वेरिफिकेशन कोड, ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं. अब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस हिसाब से आप एक सिनेरियो बनाएंगे कि सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट है वो यूज़र आईडी की है. आप देखें कि यूज़र आईडी इज़ टेकिंग इनपुट स्ट्रिंग बट इट शुड टेक ओनली नंबर्स नॉट स्पेशल करेक्टर्स. बिल्कुल यूज़र आईडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स ही लेनी चाहिए एप्लीकेशन में, पर यहाँ पर आप देखें स्पेशल करेक्टर्स भी उसने लिए हुए हैं. तो एक आपका जो सिनेरियो टेस्ट हो गया वो ये हो गया. दूसरा सिनेरियो टेस्ट क्या है कि पासवर्ड तो हाइड हुआ है पर कंफर्म पासवर्ड देखें श्योर है. इस तरीके की एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप यहाँ पर सिनेरियो में डिफाइन कर देंगे जनाब कंफर्म पासवर्ड शो करेक्टर्स. आप तीसरा देखें कि इसमें यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है नेम एक्सेप्ट नंबर्स शुड ओनली एक्सेप्ट करेक्टर्स. अब ये नेम जो है नंबर्स भी एक्सेप्ट कर रहा है टेस्टर 1.1, ये भी इसका बग है.
ये भी इसमें जो है वो प्रॉब्लम है कि ये नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेम में अल्फ़ाबेट जो है वो एक्सेप्ट करने चाहिए, करेक्टर एक्सेप्ट करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि एप्लीकेशन का कोई नेम भी जो है वो नहीं लिखा हुआ आ रहा, जबकि यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आर नॉट प्रेजेंट आप सिनेरियो में लिख देंगे। देख रहे हैं आप, कोई भी पता नहीं चल रहा है किस चीज़ का फॉर्म है, जबकि आप यूजुअली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको लिखा हुआ आता है कि हाँ भाई ये जो है वो ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन बुकिंग जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके नेम भी आते हैं। तो एक तो आपकी ये एग्जाम्पल हो गई जो है वो टेस्ट से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि टेस्ट केसेस के बग रिपोर्ट और टेस्ट चेकलिस्ट कैसे बनती है।